हेलो दोस्तों, कैसे हो? तुम्हारा स्वागत है आज का मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज भी मेरी सारी मछलियाँ है इस टैंक में। मेरा ये टैंक है, मेरा 3 फीट टैंक है। और इस टैंक में मेरी सब मछलियाँ एकदम से मस्त से हेल्दी है। और दोस्तों, मैं आज में मेरी सारी मछलियाँ है, मेरी सारी मछलियाँ का मैं आज में अंडा में खिलाने वाला हूँ। और मैं देखता हूँ कि मेरे नए वाली मछलियाँ है वो अंडा खाती है नहीं खाती है। और ये दोस्तों, ये मेरी गौरवी मछली है, और भी यह गौरवी मछली है, और यह मूली मछली है। तो दोस्तों, ये 3 मछलियाँ है मेरे टैंक में। ये मैं पुरानी मछलियाँ है, तो ये मछलियाँ भी अंडा खाती है। और मेरी नए वाली मछलियाँ है डॉल्फिन मछली है, और ये मछली है स्पा मछली है, और भी एक नए वाली मछली है, ये भी चॉकलेट मछली है मछली है। तो दोस्तों, मेरी नए वाली मछलियाँ है वो अंडे खाती है नहीं खाती है वो मुझे भी पता नहीं है। और मेरे पुराने वाली मछली है तो ये भी अंडा खाती है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आदमी अंडा खिलाने वाला हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे नए वाली मछली है तो ये अंडा खाती है कि नहीं खाती है। दोस्तों, ये है अंडा, मुर्गी का अंडा है ये। और दोस्तों, मैं इस तपेले में मैं पानी भरूंगा, 2 गिलास में पानी डालूंगा, और ताकि ये अंडा है इसमें पानी में डूब जाए, इतना ही पानी भरने का है। तो दोस्तों, मैं इसमें पानी में डाल देता हूँ, और ये अंडा है डूब जाए इतना मैं पानी भर देता हूँ मैं। दोस्तों, मैंने पानी भर दिया और ये अंडा भी डूब गया है, और थोड़ा सा भी तैरता है अंडा, मुझे भी पता नहीं कैसे तैरता है अंडा। तो दोस्तों, मैं गैस से उनको मैं जलाता हूँ, और इसमें मैं और मैंने जला दिया, और इसमें ये हुए इसमें तो रख देता हूँ इसमें ऊपर। दोस्तों, मैंने पानी ऊपर में रख दिया है, और अंडा पक जाएंगे पानी में, और ये इनके ऊपर ऐसे ही ढकने का, और इसमें 10-15 मिनट तक ऐसे ही रह देना, और ताकि अंडा है तो पक जाए। तो A few moments later. दोस्तों, ये अंडा पूरी तरह से पक गया है, और इसमें पानी मैंने पानी भी खाली कर दिया है, और ताकि मैं इसमें मैं पानी भर दूँ ठंडा, और ताकि अंडा भी ठंडा हो जाए, मैं अच्छी तरह से इनको मैं छिल छिल सकूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें मैं थोड़ा सा मैं और भी इसमें अंडा भी और भी चाकू लेना पड़ता है, और भी कहीं भी चीज़ लोहे की तुम ले सकते हो। तो मैंने भी चाकू का उपयोग किया है, और ये अंडे के ऊपर है, पूरी तरह से चालू होती है ये अंडा अंडे के ऊपर। तो अंडे के ऊपर मैं अच्छी तरह से इनको मैं क्लीनिंग में कर लेता हूँ, और क्लीन करने के बाद ये डिश में मैं अंडा में इनको मैं छीलूँगा। तो दोस्तों, अच्छी तरह से मैं इनको भी क्लीन में कर लेता हूँ अभी मैं। तो दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से अंडे को मैं क्लीन कर दिया है, और इसमें टंके में इस डिश में मैं रख देता हूँ, और मैं कचरा में इनको भी फेंक देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें हो गया सब, उस ये अंडे को मैं काटता हूँ अच्छी तरह से मैं इनको। दोस्तों, ये अंडे को मैंने काट दिया है, और ये अंडे के अंदर होता है पीला रंग का भी, वो पीला रंग का भी है, वो मछलियाँ है अच्छी तरह से इनको भी खा लेती है। तो दोस्तों, ये अंडे अंडे को मैं छोटा छोटा मैं कट कर लेता हूँ उनको भी, और ताकि मछलियों को भी खाना अच्छी तरह से मिल जाए। मैंने अच्छी तरह से इनको भी टुकड़ा कर लिया है, और मेरी सारी मछलियाँ को इनको मैं एक में खिलाता हूँ अभी, मैं देखता हूँ कि कौन सी मछलियाँ भी अंडे खाती है। तो दोस्तों,
तो दोस्तों में पहले पहले में अंडा है वो पीला रंग का होता है, तो वो मैं उनको मैं खिलाता हूँ कि मैं देखता हूँ कि कौन से मछली अभी अंडे खाती है। तो दोस्तों अभी तो दोस्तों मैंने अंडा भी डाल दिया है और पहले वाले पोला ब्लू पेयर मछली ने भी अंडा खाने में शुरू कर दिया है, और मेरे नए वाली मछली अभी वो डॉल्फिन सिकलेट मछली है तो वो भी देखो कि खाने लगी जल्दी जल्दी। और भी मेरे नए और भी नए मछली है तो वो भी खाने खाने लगती है मछली, और मेरे नए वाली मछली है वो भी पहले से ही आ गई है तो और देखो कि जल्दी जल्दी ये पूरी खा रहा है। और ये मछलियों का अंडे भी हफ्ते में एक बार खिलाना चाहिए, और देखो कि मेरे पुरानी वाली मछलियाँ है वो भी आ गई, और देखो कि पोला ब्लू पेयर मछलियाँ है वो अच्छी तरह से देखो जल्दी जल्दी वो खाना खा रही है। और मेरी मछलियाँ है पुरानी वाली मछलियाँ स्पा मछलियाँ नए वाली है, और मैं पुरानी वाली मछलियाँ भी वो भी खाने में खाने के लिए भी आ गई। और मैं दोस्तों थोड़ा भी अभी डाल देता हूँ, और ये मछलियाँ भी देखो कि अच्छी तरह से वो भी खाने लगती है मछली। सारे हर एक मछलियाँ भी देखो कि खाना खा लेती है खाने लगती है, और ये स्पा मछलियाँ है देखो कि वो भी खाने लगती है, और डॉल्फिन सिकलेट मछलियाँ भी वो भी देखो खा लेती है। सभी मेरे दोस्त मेरी सभी मछलियाँ है वो अच्छी तरह से भी खाने खाती है अंडा। और मेरी ये मछलियाँ भी है अफ्रीकन सिकलेट मछलियाँ भी, ये भी पुरानी मछलियाँ है वो भी मैं भूल गया था कि तुमको मैं बताने के लिए। तो ये मछलियाँ भी इस कड़े में छुपी रहती है, और उसमें कड़े में थे तो मुझे भी पता नहीं था कि मेरी वे पुरानी वाली मछलियाँ है। तो दोस्तों ये पुराने वाली मछलियाँ भी हमारी पुराने वाली है, ये भी मछलियाँ भी ये मछलियाँ या अफ्रीकन सिकलेट मछली है, तो ये मछली है तो ये भी अंडा खाती है। तो दोस्तों ये अभी ये व्हाइट वाला है, मैं टुकड़ा इनको भी थोड़ा सा डाल देता हूँ क्या, तो देखता हूँ कि व्हाइट वाला टुकड़ा भी कौन सी मछली अभी खा लेती है। और व्हाइट वाला टुकड़ा भी मैंने डाल दिया है, अभी देखता हूँ कि देखो स्पा मछली है और भी डॉल्फिन सिकलेट मछली है वो भी खाती है। तो अभी मैं इसमें फीडिंग करता हूँ, और मैं फीडिंग करने में बहुत ही मजा आ रही है देखने में मछलियाँ, और ये हर एक मछलियाँ भी है तो अंडा भी वो खा लेती है मछलियाँ भी। तो दोस्तों मेरी सभी मछलियाँ भी है वो अंडा खा लेती है, और पोला ब्लू पेट मछलियाँ है वो तो बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत ही खा लेती है। और देखो कि अफ्रीकन डॉल्फिन मछलियाँ हैं तो वो मछलियाँ भी अच्छी तरह से वो खा लेती है। तो दोस्तों मैं अभी से थोड़ा सा टुकड़ा में व्हाइट वाला टुकड़ा है वो मैं सब डाल देता हूँ, तो सब मछलियाँ भी झगड़ा कर रही है, मैंने थोड़ा सा डाला था तो देखो कि सब मछलियाँ भी खा लेती है। ये व्हाइट वाला टुकड़ा मैंने डाला था कि मेरी सिकलेट मछलियाँ देखो कि एक टुकड़े में दो दो मछलियाँ अभी पीछे पीछे दौड़ रही है, और मैं इसे अभी मैं ज़्यादा थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ कि ताकि पानी में कचरा मछलियाँ भी जितना भी खा सकती है उतना ही बस अंडे अंडे की फीडिंग दो, और ज़्यादा भी ओवर फीडिंग मत करो और ताकि ताकि पानी भी खराब हो सकता है, और जितना भी फिश वो मछलियाँ है वो खाती है उतना ही बस फीडिंग दो और दूसरा का फीडिंग मत करो। और दूसरी मेरी ये मेरा टू फीट टैंक में है वो भी मेरे पुराने वाले मछलियाँ हैं, और ये बहुत ही खतरनाक मछली है, तो ये मैं तुमको भी ये मछलियाँ दिखाता हूँ। दोस्तों ये है मेरा 2 फीट टैंक है, और 2 फीट टैंक में मेरी बहुत ही खतरनाक मछलियाँ हैं, इनका भी नाम है अफ्रीकन सिकलेट मछली है, और ये दो बहुत ही खतरनाक है मछली। और मेरी बड़ी मछली है ऑस्कर मछली, उनको भी मार दिया था ऑस्कर मछली ने, बहुत ही एग्रेसिव मछली है ये अफ्रीकन सिकलेट मछली। मछली ये मछलियाँ है हमारे पुराने वाली मछली है, ये भी मछली अभी अंडे खाती है। तो दोस्तों इनको मैं थोड़ा सा मैं अंडा खिलाता हूँ, दोस्तों मैं देखता हूँ कि ये मछली अभी अंडा खाती है क्या, खाती जो मुझे भी बहुत ही पता है, और मैंने थोड़ा सा अंडा में डाल दिया है, और भी ये देखो कि मछली पुराने वाली मछली अभी वो अंडे भी खाती है दोस्तों, और अंडे भी बहुत ही अभी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, और ये सारे अंडे डाला था वो भी सब सारे अंडे हैं वो खा लेंगी। दोस्तों हफ्ते में एक कई बार मछलियों का भी अंडा भी खिलाना चाहिए, और ताकि ये मछलियाँ भी उनका भी ग्रोथ ही बहुत ही बढ़ सके, और
और ये मछली अभी एकदम हेल्दी रहे, उनका भी कलर एकदम ही मस्त अभी आ सके। तो दोस्तों हफ्ते में एक बार मछलियों के भी अंडे भी खिलाना चाहिए। तो दोस्तों यहीं करता हूँ मैं वीडियो पूरा में।